आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश महोदय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी व उप आयुक्त महोदय के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय व तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आदर्श नगर कॉलोनी, भातु कॉलोनी, मुरादाबाद में लगातार दबिश तलाशी कराई जा रही है। तत्काल में आज दिनांक 26/10/2021 को 3:30 बजे से नाकाबंदी कर हबुड़ा चौराहे से PSC गेट होते हुए फकीरापुरा तक दबिश तलाशी व गलियों में पैदल मार्च किया गया। तलाशी में लगभग 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा 1100 किलोग्राम लेहन व शराब बनाने के उपकरणों व भट्टियों को नष्ट कर 2 अभियुक्त पंजीकृत किए गए। दबिश टीम में आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार, सिद्धार्थ मिश्रा, शिखर कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, में प्रधान आबकारी सिपाही उपस्थित रहे। सर, आगामी त्योहारों के निमित्त है सर, आबकारी विभाग क्या अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, वैसे तो आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार, जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद प्रभाग मुरादाबाद एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन मेरठ के निर्देशानुसार हमारा ये अभियान चल रहा है जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के विक्रय और तस्करी के विरुद्ध। इसमें जो जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संदिग्ध गांवों और संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इसमें हमारी एक मुरादाबाद में एक भातु कॉलोनी है जो कि सभी जानते हैं, जस कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। इसमें अवैध शराब, कच्ची शराब बनती है जिसको समूल नष्ट करने के लिए हमारी प्रतिदिन वहाँ पर जो दबिशें हो रही हैं और कार्रवाई हो रही है और वहाँ पर जो अवैध शराब बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शराब पीने वाले जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? ये शराब पीते हैं, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो ऐसे आने वाले त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब जो बनाने वाले व्यक्ति सक्रिय हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति अवैध अड्डों से शराब खरीद कर न पिए, वो शराब जहरीली हो सकती है। मिथाइल एल्कोहल भी उसमें मिला हुआ हो सकता है जो कि एक विष है जिसके सेवन से जान भी जा सकती है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि वो अवैध अड्डों से शराब खरीद के न पिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी जान न गंवाएं और यही मेरी लोगों से अपील है।